हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूनलाइट ब्यूटीज़। आज मेरी मम्मा आपको तुरई की रेसिपी, डिलीशियस सी, बहुत अच्छी सी रेसिपी बताने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकती हैं, यहाँ पे मैंने ये मसाले निकाल लिए हैं। ये कुटी हुई मिर्च है, तकरीबन एक टेबल स्पून है, और ये हल्दी है, ये भी एक टेबल स्पून है, और ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये डेढ़ टेबल स्पून है, और ये नमक आप हसबे ज़ायका ले सकती हैं। और इसके अलावा मैंने ये अनियन काट लिए है, प्याज है तकरीबन दरमियानी, दो हैं दरमियानी साइज़ की, ये हरी मिर्चें हैं, और ये टमाटर हैं, ये तकरीबन बड़े साइज़ के आप दो काट लीजिए, और ये तुरई मैंने काट ली है, तकरीबन ये आधा किलो तुरई है, आप देख सकती हैं। और ये मैंने ऑयल लिया है, ये सर्विंग, 3 सर्विंग स्पून ऑयल है, और ये लहसुन अदरक है, ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है, और ये थोड़ा सा पानी मैंने लिया है इसमें सब्ज़ी बनाने के बीच में यूज़ करने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 सर्विंग स्पून है। तीन सर्विंग स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये अपनी अनियन डाल देंगे। ये तुरई की सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बनती है, और मेरी फैमिली तो बहुत ही शौक से खाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसको शेयर करूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे हम। थोड़ा लाइट ब्राउन कर लीजिए। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने दीजिए, हल्के हल्के इसमें चम्मच चलाती रहिए। हल्के हल्के इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल सेम हर तरफ से ब्राउन हो जाए। सब्ज़ी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए कभी ये होता है कि गोश्त इंसान खा लेता है, कभी चिकन खा लेता है, और सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा इस्तेमाल में रखनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है।
और आप जानती हैं कि बच्चे आजकल सर्दी शौक से नहीं खाते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हो, डेलीशियस बनी हो, तो फिर हमारे बच्चे भी इसको खाने में नहीं हिचकिचाएंगे। अब आप देख सकती हैं ये थोड़ी थोड़ी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। हम बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं होने देंगे, वरना इसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकती हैं ये आस्ते आस्ते ब्राउन हो रही है। अभी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लेंगे। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को थोड़ा सा पका लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी भी ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे। अब आप देख सकती हैं इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखिए पानी इसका ड्राई होता जा रहा है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक भी बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, जो हम हर खाने में यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाद हैं इसके। तो थोड़ा सा भून लीजिए। तो 4 to 5 मिनट्स हम भून लेंगे। अब इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जब आप पकाएंगी तो आपको फील होगी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें।
आप देख सकती हैं थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आने लगा है। तो हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो मैंने भी आपको बताए थे। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले डालने से इसकी खुशबू और भी प्यारी हो गई है, प्यारी सी स्मेल आ रही है। इसको भी हम 4 to 5 minutes भून लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। जो सब्ज़ी नहीं भी खाता वो भी आप इस रेसिपी से बनाएंगी तो ज़रूर वो आपकी बनाई हुई सब्ज़ी पसंद करेगा। अब आप देख सकती हैं इसमें ऑयल थोड़ा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ये अपनी सब्ज़ी तुरई की सब्ज़ी ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा भूनते रहेंगे इसको। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। आप देख रही हैं इसका कलर भी कितना प्यारा सा आ गया है, ग्रीन है, रेड है, देखने में भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हमारी सब्जी तकरीबन भुन गई है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको हम गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, एक कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चम्मच से मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। हल्की आंच पे अब हम इसको गला लेंगे। हम अपनी पतीली को कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। तरह की सब्जी क्योंकि जल्दी गल जाती है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा वेट भी हमें करना नहीं पड़ेगा और हमारा खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारी सब्जी गल गई है या नहीं। तो थोड़ी देर 5 मिनट हम और पकाएंगे। इसमें आप नींबू वगैरह डाल के भी खा सकती हैं, उसका उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बेटर हो जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें बीच में थोड़ा सा चम्मच चला दीजिए। बस हमारी सब्जी अब रेडी होने वाली है। आप लोग मेरी वीडियोस देखती रहती होंगी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती होंगी। आप लोग के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। आज मैंने सोचा कि एक नई वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए। आप लोग मुझे अपनी कमेंट्स देती रहा कीजिए, उससे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस का बायस बनते हैं।
देखिए हमारी ये तकरीबन सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन मैंने ये आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इससे इसकी खुशबू और जायका और ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको। और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ी सी, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। इसको आप नान के साथ खा सकती हैं, चपाती के साथ खा सकती हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और मेरी फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं बहुत ही पसंद करते हैं मेरी रेसिपीज़। आइंदा मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी अच्छे अच्छे खानों की। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कौन से खाने की रेसिपी चाहती हैं कि जो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जो भी आप ज़्यादा पसंद करती हो। हरी मिर्चें और गरम मसाले से बहुत ही प्यारी खुशबू यहाँ पे आ रही है। मेरे हस्बैंड तो इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं और फरमाइश करते हैं इसकी बार बार बनाने की। ये देखिए आप देख सकती हैं इसका कलर कितना अच्छा है। और जब आप बनाएंगी तो आप इसकी खुशबू से और इसके जायके से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगी। आइए अब हम इसको साफ करने के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है, अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी तैयार है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसमें आप गार्निशिंग के लिए पुदीना डाल सकती हैं, हरा धनिया डाल सकती हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और मेरा चैनल मूनलाइट ब्यूटीज़ देखती रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी नई से नई वीडियो लेके आती रहूँगी। जब तक के लिए बाय।